हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय अधिकारी केशव शर्मा ने हिंदू समाज के लोगों के साथ जाकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत कराया। वहीं केशव शर्मा ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट प्रचारित की है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का अपमान किया गया है, जबकि गुरुजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा है। केशव शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की ये पोस्ट दलित व पिछड़ा वर्ग में मतभेद व हिंदू मुस्लिम के बीच घृणा वैमनस्यता अशांति फैलाने के उद्देश्य से की गई है। केशव शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पूर्व से ही संघ के विरुद्ध बोलते आए हैं, ये राष्ट्रभक्तों के विरोधी व आतंकवादियों के समर्थक हैं। ये आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलते हैं, हाफिज सहित जाकिर नायक जैसों का समर्थन करते हैं। अब हिंदू समाज भारत के महापुरुषों का अपमान सहन नहीं करेगा। अपमान करने वाला कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हिंदू समाज कदापि सहन नहीं करेगा। इसके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक पोस्ट की है, जिस पर संघ के द्वितीय सरसंचालक माननीय गुरुजी के चित्र के ऊपर और नीचे एक आपत्तिजनक अपमानजनक और उनकी छवि धूमिल करने का कार्य दिग्विजय सिंह जी ने किया है। दिग्विजय सिंह जी बिना तथ्यों के आधार पर झूठी इस प्रकार की मिथ्या वाचक तस्वीरों को प्रसारित करके हिंदू समाज के दलित व पिछड़ा वर्ग में एक घृणा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। मुसलमान और हिंदू समाज के बीच में घृणा व्यवस्था का वातावरण प्राप्त हो, ऐसी मानसिकता उनकी प्रारंभ से रही है। दिग्विजय सिंह जी आज से नहीं, पूर्व से ही संघ व संघ के स्वयंसेवक व समाज से ही संगठनों पर प्रश्न खड़े करते रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं गुना के अंदर जो विश्व के आतंकवादी ओसामा को भी ओसामा जी कहते हैं, हाफिज जी सहित तो सब जानते हैं, ऐसे कुख्यात आतंकवादियों को भी साफ कहकर संबोधित करते हैं। ये वह लोग हैं जो जाकिर नायक जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों के कार्य पर, आतंकवादियों की हत्या पर ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। इस प्रकार का उनका कृत्य हिंदू समाज एवं मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक होने के नाते और ये संपूर्ण स्वयंसेवक संपूर्ण हिंदू समाज इसका विरोध करता है। हम कैंट थाने में उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराने आए हैं। केशव शर्मा कैंट। क्या आश्वासन दिया थाना प्रभारी? प्रकरण पंजीबद्ध होगा।